महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। सोमवार को राज्य में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। वोटिंग से पहले नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच एनसीपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधा है। अजीत पवार ने कहा कि उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अपने चाचा शरद पवार से इसलिए अलग होना पड़ा क्योंकि पार्टी के सभी विधायक रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होना चाहते थे। चुनाव से पहले अजीत पवार का यह बड़ा खुलासा। अजीत पवार और 8 विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद पिछले साल जुलाई में एनसीपी 2 भागों में बढ़ गई थी, आप सब जानते हैं। बारामती में प्रचार के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस उम्र में पवार साहब को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने साहब को नहीं छोड़ा, मैंने उनसे कहा कि ये सभी विधायकों की राय है कि हमें शिंदे सरकार में शामिल होना चाहिए क्योंकि हमने महाविकास आघाड़ी सरकार के तहत जिन विकास कार्यों को मंजूरी दी थी उन्हें रोक दिया गया था। विधायकों ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर भी किए। एनसीपी प्रमुख ने जनसभा में एकत्रित लोगों के समर्थन को मांगते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सूले का समर्थन किया था मैंने। अजीत पवार ने कहा कि आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा, आप फैसला करिए कि भावी पीढ़ियों की खातिर किसे वोट करना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आप सब ने शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले जो कि सांसद हैं उन्हें समर्थन किया, लेकिन अब मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा, आप फैसला करिए कि भावी पीढ़ियों के खातिर किसे वोट करना चाहिए और किसे वोट करना है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने अपने प्रतिद्वंदियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मेरे अलावा किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन मुझसे नहीं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को न केवल हराएं बल्कि उन्हें बड़ी हार दें। सोलापुर जिले के मांडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पवार ने 1980 में हुए एक घटनाक्रम का जिक्र किया जब उनके दल के 52 विधायक मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के नेतृत्व में दूसरी पार्टी में चले गए थे, जिसके कारण उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद गंवाना पड़ा था। पवार ने कहा कि उस समय उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी थी बल्कि पूरे राज्य के लोगों से संपर्क किया और 3 साल तक मेहनत की। अगले चुनाव में उन्होंने उन सभी 52 विधायकों के खिलाफ युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। पवार ने कहा कि मुझे महाराष्ट्र की जनता पर गर्व है जिन्होंने उन 52 बागियों को हार का स्वाद चखाया था। पवार ने अपने सियासी सफर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं 1967 में 27 साल की उम्र में विधायक बना था और तब से आज तक मैंने कभी हार का सामना नहीं किया है, मेरे पास अपने अनुभव हैं। 83 साल के नेता ने यह भी कहा कि जो लोग मुझे धोखा दे रहे हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जानी चाहिए। बड़ी चेतावनी शरद पवार की तरफ से। उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल हराओ बल्कि उन्हें बड़ी हार दो। उनके इस बयान पर चुनावी सभा में मौजूद लोगों ने उनका समर्थन किया, उनके लिए नारे भी लगे। आपको बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले साल जुलाई में विद्रोह से जूझती दिखाई पड़ी और भतीजे अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ अपनी दुनिया अलग कर ली, एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के तहत अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और घड़ी निशान दोनों मिल गया जबकि शरद पवार गुट ने नई पार्टी बनाई। आपको यह भी बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में अजीत पवार का मुकाबला उन्हीं के भतीजे के साथ है। अभी शरद पवार गुट ने उनके पोते युगेंद्र पवार को भी बारामती से उम्मीदवार बनाया है। यहां उनका मुकाबला अजीत पवार से हो रहा है। अजीत पवार 1991 से बारामती के विधायक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से उम्मीदवार बनाया था जिन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सुप्रिया सूले ने सुनेत्रा को इस चुनाव में आसानी से हरा दिया। तब अजीत पवार ने यह भी माना कि अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाकर उन्होंने गलती की। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि युगेंद्र के मैदान में आने से अजीत पवार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और तब और जबकि शरद पवार कह रहे हैं कि युवाओं को जब उनके सामने उतारा था, उन्होंने अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर किया कि युवाओं को जब उनके सामने उतारा था तो बड़ी हार मिली थी, तो युगेंद्र को युवा के तौर पर भी शरद पवार प्रोजेक्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत बारामती से अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं लेकिन 8वीं बार उनके लिए रास्ता बहुत कठिन हो चुका है क्योंकि एक तरफ अजीत पवार हैं और दूसरी तरफ पूरी पवार फैमिली, पूरा परिवार उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ विधानसभा चुनाव में अजीत और लोकसभा चुनाव में शरद की बेटी सुप्रिया यही जीतते आई हैं, इन्हीं का कब्जा रहा है।
लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ के समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शरद पवार ने इस साल लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है और अजीत को उनके गढ़ बारामती में करारा झटका दिया है। वहीं अब इस विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। अजीत पवार 1993 से बारामती विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। अजीत पवार ने 2019 में बारामती विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट को लगभग 1,65,000 वोटों के रिकॉर्ड के अंतर से हराया था, लेकिन इस बार उनके लिए यह सीट चुनौतीपूर्ण है और तब और ज्यादा जब शरद पवार सीधे उन्हें चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अजीत पवार को अपने संबोधन में, अपनी रैलियों में यह कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस उम्र में चाचा का साथ क्यों छोड़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।